हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब कहानी उन लोगों की जो कोरोना के संकट के बीच खुद की परवाह किए बगैर लोगों की मदद कर रहे हैं। कोरोना वॉरियर्स की पहली कहानी महाराष्ट्र से है। यह है महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी डी शिवानंदन। कभी महाराष्ट्र के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी इनके कंधों पर थी। अब जब देश कोरोना के संकट से घिरा है, तब शिवानंदन गरीबों और भूखे लोगों के लिए मसीहा बन गए हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये इन तस्वीरों को देखकर समझिए। ये शिवानंद की संस्था रोटी बैंक की वैन है, जिससे मुंबई में लॉकडाउन के बीच जरूरतमंदों को खाना बांटा जा रहा है। ये डी शिवानंदन के अनुशासन और देशभक्ति का ही जज्बा है कि शुक्रवार को मां का निधन होने के बाद भी ये गरीबों और भूखे लोगों की मदद करते रहे। उन्होंने कल मुझे ही बोला कि अभी आज मेरी मम्मी का डेथ हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उनके इससे आप आज 5,000 का ही खिचड़ी दाल खिचड़ी बना के सब गरीब लोगों को बांट दो, और उस हिसाब से हमने कल वो काम किया भी। लॉकडाउन के बीच रोटी बैंक कैसे काम करती है, ये भी सुनिए। हमारा किचन है माहुल में, उस किचन में हम लोग ये दाल खिचड़ी से शुरुआत किया है। अभी परसों के दिन में हमने 1000 लोगों को दाल खिचड़ी पुलिस के मदद लेके डिस्ट्रीब्यूशन किया। कल हम लोगों ने 5000 लोगों को खिचड़ी खिलाया है, और आज भी हमारा 5000 लोगों का, अभी 3000 लोगों का अभी खिचड़ी हमारे किचन में ऑलरेडी बन रहा है, और 2000 का हम लोग अभी लेके आए हैं। मुंबई पुलिस के अधिकारी बताते हैं कि किन किन इलाकों में खाना पहुंचाने की जरूरत है, और वहां वो रोटी बैंक की गाड़ियों को एस्कॉर्ट करते हैं, वहां तक खाना पहुंचवाते हैं और साथ में बंटवाने में भी मदद करते हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर और महाराष्ट्र के डीजीपी रहे शिवानंदन 2011 में रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद रोटी बैंक नाम की संस्था बनाई। रोटी बैंक होटलों से बचा खाना इकट्ठा कर जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाती है। तो इस तरह से हमने डी शिवानंदन की जिंदगी के दो पहलू देखे, एक जिसमें कि वो गैंगस्टरों का एनकाउंटर कर रहे थे, और दूसरा जिसमें कि वो भूख का एनकाउंटर कर रहे हैं। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूँ प्रधानमंत्री सीरीज 2, शनिवार रात 10 बजे।